इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के नंबर सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर द एनटीएस गेट जनरल एनईटी टेस्ट के लिए। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे परसेंटेजेस के रिलेटेड, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वन इंटीजर इज फोर टाइम्स अनदर, द सम ऑफ इंटीजर्स इज फाइव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेसर इंटीजर। ओके, ये एनटीएस गेट जनरल के पास्ट पेपर से ली गई क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टू इंटीजर है। अब यहां पर टू इंटीजर्स हम अज्यूम करते हैं कि वन इंटीजर इज एक्स एंड द अदर इंटीजर इज वाई। ओके, ये मैंने अज्यूम किया कि जो टू इंटीजर्स है, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। अब यहां पर हमने वैल्यू लेसर इंटीजर की फाइंड करनी है, तो ये अब यह हमने एक और एजम्पशन करना है और वो ये है कि एक्स, लेट्स कंसीडर दैट एक्स इज लेसर इंटीजर। ओके, इंटीजर जो है लेसर जो है वो एक्स है एंड वाई इज ग्रेटर इंटीजर। ओके, ग्रेटर इंटीजर। ओके, ये भी हमने अज्यूम किया कि एक्स इज लेसर इंटीजर एंड वाई इज ग्रेटर इंटीजर। अब हमने वन इंटीजर इज फोर टाइम्स अनदर। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इक्वेशन इज वाई इज फोर टाइम एक्स। ओके, वाई इज फोर टाइम एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि y इज इक्वल टू फोर एक्स, ये इक्वेशन है सेंटेंस वन का। अब सेकंड सेंटेंस को आप देखें, द सम ऑफ द इंटीजर्स इज फाइव। ओके, तो सम ऑफ इंटीजर्स टू इंटीजर्स है विच इज x प्लस y इज इक्वल टू फाइव। ओके, लेट्स कंसिडर दैट दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस y, तो यहाँ पर y की जगह पर मैं इक्वेशन नंबर वन लिख सकता हूँ विच इज़ 4x। सो x प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पर मैंने y की जगह पर 4x लिख दिया, तो विच इज़ x प्लस 5, विच x प्लस 4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो लेसर इंटीजर है वो x इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा पूछा गया हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर, तो यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, तो लेट्स यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू कोई भी यहाँ पर इक्वेशन 1 में आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1। सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो यहाँ पर जो है 4। तो यहाँ पर हमने जो टू दोनों इंटीजर हमने फाइंड की है, जो लेसर इंटीजर है वो 1 के बराबर है एंड जो ग्रेटर इंटीजर है वो 4 के बराबर है। ओके, सो देयर सम इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड वन इंटीजर इज 4 टाइम अनदर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 4 है विच इज़ 4 टाइम ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है यहाँ पर वेरीफाई हो सकती है। ओके, तो इट मीन दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट ऑप्शन।